हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे चिकन मोमो, वो भी बिल्कुल फास्ट और सिंपल और रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को मैंने अच्छे से कट कर लिया है बारीक बारीक सा। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गाजर। गाजर के साथ ही साथ हम इसमें लेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के साथ में हम लेंगे इसमें कांदा। कांदे के साथ हम लेंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च के साथ हम लेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। नमक के साथ लेंगे हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा। अब इसे हमें सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जिससे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाइस, इसके अंदर से ना पानी निकलने लगे। जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है, हम इसे इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। एक्स्ट्रा पानी इसलिए निकालेंगे ताकि हमारा मोमो एकदम अच्छे से बने, वो टूटे फूटे ना। तो ये आप देख सकते कितना सारा इसमें एक्स्ट्रा पानी था। अब इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम चाहे तो मोमो बनाने वाली चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ये हो चुका है अच्छे से रेडी। इसे हम रख देते हैं साइड में और दूसरे ही प्लेट में हम लेंगे मैदे का आटा। यहाँ मैंने 2 कप मैदे का आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और हल्के हल्का पानी डाल के हल्के हल्के हाथों से हमें इसे गूंद लेना है। हमें इसे ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है, एकदम थिक रखना है। ज़्यादा कड़क भी नहीं, ज़्यादा नरम भी नहीं, एकदम मीडियम में इसे गूंद लेना है। आटा गूंद के हो चुका है रेडी। आटे को रखते हैं 10 से 15 मिनट के लिए साइड में। हमने जो हमारा चिकन मसाला था मोमो का, उसमें हमने चिकन ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और सोया सॉस। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरी तरह से अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसे रखते हैं साइड में। आटे को हमने 10 से 15 मिनट के लिए रखा था, वो अच्छे से हो चुका है। अब इसकी हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद हम इसे अच्छे से बारीक छोटा छोटा पतला पतला गोल गोल बेल लेंगे। गोल गोल बेलने के बाद आप देख सकते हो मैंने इसे एकदम पतला बेला है, ज़्यादा मोटा नहीं बेला है। जो हमारा मोमो का मसाला था उसे हम रखेंगे एकदम बीचों बीच में। अब इसे एक किनारे से मोड़ते हुए आराम आराम से अब हम इसे एकदम फोल्ड करते हुए चले जाएंगे, जिस तरह हम साड़ी को प्लेट लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अब जो इसका एक्स्ट्रा आटा है उसे हम गोल घुमा के निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हो ये मोमो बनके हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब इसे रखते हैं साइड में। और मैंने सोचा कुछ एक और डिफरेंट स्टाइल में फिर से मोमो बनाए, तो ये है पोटली मोमो। इसे कहते हैं पोटली मोमो। इसे एक हाथ से एक एक प्लेट दूर दूर हमें देनी है, एकदम नज़दीक नज़दीक नहीं देनी, थोड़ा थोड़ा गैप कर कर के हमें एक एक प्लेट देनी है। और जब इसका दोनों कोना होगा उसे फोल्ड करके घुमा के चिपका देना है एक साथ। तो ये हमारा पोटली मोमो भी हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब इसे रखते हैं हम साइड में। एक पैन में मैंने अच्छे से पानी को गर्म कर लिया है। यहाँ मैंने लिए गेहूँ छानने वाली छन्नी। छन्नी में हमें थोड़ा सा ऑयल लगा देना है ताकि हमारा जो मोमो है वो चिपके ना। पानी में बॉयल आ चुका है। अब छन्नी को उसके ऊपर रखते हैं और जो हमारा सारा मोमो है एक एक करके हम छन्नी के अंदर रखते हुए चले जाएंगे। सारे मोमो आराम आराम से रखने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम दे देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे मोमोज़ हो चुके हैं रेडी। तो इसे हम निकालते हैं दूसरी एक प्लेट में। तो आप देख सकते हैं मोमो बन के हो चुका है रेडी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।